हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं रीना नांदल आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक और यूज़फुल वीडियो। और जैसा कि सीज़न चल रहा है सर्दियों का, तो सर्दियों में हमें ज़रूरत पड़ती है लेगिंग्स की। मींस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनर लेगिंग पहनते हैं, मींस एक लेगिंग के नीचे दूसरी लेगिंग पहनते हैं। तो वो कैसे बनाई जाए, आज मैं वही वीडियो आप लोगों के लेकर आई हूँ। और ये मेरा है लेगिंग के लिए फैब्रिक, और ये है स्ट्रेचेबल। जो अंदर से लेगिंग पहनी जाती है वो अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो वो ऐसी ही होनी चाहिए कि स्ट्रेचेबल कपड़ा उसका होना चाहिए, तो वो तभी आप उसमें कंफर्ट रह सकते हैं। तो दो कपड़े पहनेंगे तो वो टाइट हो जाता है, तो कंफर्ट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कपड़ा जो है स्ट्रेचेबल हो। दूसरी बात जो है, हमें जो साइज़ लेना है, जिस लेगिंग के हिसाब से हमें साइज़ लेना है, वो भी स्ट्रेचेबल ही होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कपड़ा, ये वाला जो फैब्रिक है मीन्स जिससे हमें बनाना है, वो स्ट्रेचेबल हो और जिसका हम साइज़ ले रहे हैं वो नॉर्मल फैब्रिक हो, तो उसका साइज़ इसका साइज़ अलग अलग होगा। मीन्स जैसे फैब्रिक की आप लेगिंग बनाने वाले हैं तो आपको जो साइज़ लेना है वो भी उसी फैब्रिक की जैसी ही लेगिंग का साइज़ लेना है। मेरे पास है ये एक ऐसी मेरी पुरानी लेगिंग, तो मैं इसका साइज़ लूँगी। तो मतलब मुझे बनानी है जल्दी, तो साइज़ मैं कैसे लूँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको भी झटपट से कोई लेगिंग बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास है टाइम कम, मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको कि करना क्या है। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लीजिए और चारों पार्ट आपको एक बार में ही काटने हैं, तो आप उसको फोर फोल्ड कर लीजिए। तो फैब्रिक को हम ऐसे फोर फोल्ड करके बिछा लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फैब्रिक मैंने बिछा लिया है और अब मैं दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है। जो बंद वाला पोर्शन है उस साइड से मैं क्या करूँगी, जो मेरी पुरानी लेगिंग है उसको मैं ऐसे फोर फोल्ड ही हो जाएंगे उसके भी, मैं उसे ऐसे डबल करके, और जो मेरा फैब्रिक है उस पर मैं बंद वाले हिस्से को बंद वाले हिस्से के ऊपर रख के इसको सीधा सीधा ऐसे बिछा लूँगी। अभी मैं कैमरा सही एंगल में करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लेगिंग अपनी बिछा ली है इस तरह से, और ये मैंने कुछ ढाई अंगुल के आसपास यहाँ से कपड़ा छोड़ दिया है जो हमारा ऐसे फोल्ड होके लास्टिक डलेगी। तो ये आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, आपको जितनी चौड़ी लास्टिक डालनी है। तो ये लगभग 2 इंच है, तो 2 इंच मैंने यहाँ से ऊपर छोड़ लिया है। मीन्स जो लेगिंग हम रखेंगे वो 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के वहाँ से शुरू करेंगे लेगिंग, और हम इसको ऐसे पूरी लेगिंग को बिछा लेंगे। और उसके बाद हम ये जो हमारा सिलाई का निशान है इससे थोड़ा सा यहाँ से दूर दूर से निशान लगाएंगे, क्योंकि सिलाई भी होनी है। ये बात आप खास ध्यान रखें कि सिलाई भी होनी है। ये आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही आप छोड़ें, और इसमें जो है ये लास्टिक बिल्कुल ऐसी डली हुई है कि ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा नहीं हो रखा। कुछ ऐसी होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चुन्नट होती हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग 2 इंच 3 इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट इसमें जो है चुन्नट ज़्यादा नहीं है। तो बस मैं इतना ही कपड़ा इसमें लूँगी और यहाँ से थोड़ा सा दूर दूर से सिलाई के निशान के लिए ऐसे ही मैं निशान इसके लगा लूंगी। नीचे तक हम ऐसे ही कर लेंगे, और जैसा कि मैंने ऊपर कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, ऐसे ही हम नीचे भी 1 या 2 इंच जितना हमें मोड़ना है उतना हम एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे। तो मेरा तो ये है ही 2 इंच, तो मैं इसको एज इट इज पूरा काट रही हूँ। तो आप ये ध्यान रखें, नीचे से 2 इंच, ऊपर से 2 इंच, ऊपर से तो ज़रूर 2 इंच छोड़ना है, नीचे से आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं जितना आपको मोड़ना है। तो आपको ये निशान दिख गए होंगे इस तरह से सिलाई का छोड़ते हुए, और आप ऐसे निशान लगा देंगे जितना आपको मार्जिन इसमें रखना है उस हिसाब से। तो बस अब हम यहाँ से इसको
कट कर देंगे और ये हमारी पजामी जो है कट के रेडी है। फिर उसमें हम यहाँ से ये सिलाई करते हैं और यहाँ से इसमें डाल देंगे लास्टिक, वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी लेगिंग इस तरह से कट गई है। अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। ये जो हमने पजामे काटी थी उसको एक दूसरे के ऊपर रख के और सबसे पहले हम इसका यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेंगे। नीचे से जितना भी फोल्ड करना हो हम उसे फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम साइड लगा लेंगे। अब हम इसकी साइड वाली सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद सिर्फ हमारी लास्टिक डालनी रह जाएगी। नीचे से आपको जितना भी चौड़ा करना है उतना आप रख लीजिए। वैसे तो हमने बिल्कुल ये साइज़ के हिसाब से ही काटा है, तो हम बस आधा इंच साइड में छोड़ के और ऐसे सिलाई इस पर लगा लेंगे। एक बार दोबारा इस पर सिलाई करके इस पर यहाँ अच्छे से लॉक लगा लेंगे। ये सारी पजामी हमारी इस टाइप से रेडी हो गई है और साइड वाली सिलाई भी हमने पूरी लगा दी है। अब सिर्फ इसमें काम बचा है जो है वो है लास्टिक डालने का। लास्टिक या तो हम ऐसे अपनी कमर पे लगा के साइज़ ले सकते हैं, और अगर उससे आपको परफेक्ट पता ना चले कमर से साइज़ लें तो थोड़ा सा लास्टिक को खींच के फिर लें, क्योंकि ऐसे लूज छोड़ के लेंगे तो ये तो मतलब नाड़े जितना साइज़ आ जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। थोड़ा सा लास्टिक को खींच के लें, और अगर आपको नहीं लेना आता तो जो हमारी पुरानी पजामी है उसके अकॉर्डिंग ही हम ले लें। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे हम लास्टिक को, और जितनी ये है उतनी ही हम ले लेंगे। ये लगभग इतनी है, आइडिया से मैंने ली है, और ये देखिए ऐसे हम ले लेंगे। तो जितना साइज़ इसका आया है उतना ही हम लेके इसको काट देंगे और उसमें डाल देंगे। हम इसको ऐसे ऊपर नीचे रख के और इस पर दो तीन सिलाई लगा लेंगे, और ये सिलाई अच्छे से लगाएं। मीन्स जो मशीन का
ये पैर होता है मतलब बखिया जिसे बोलते हैं, वो बारीक करके लगाएं ताकि ये खुले ना। मतलब अगर इसको आप पक्का नहीं करेंगे तो ये बीच में टूट सकता है, ये आप ज़रूर ध्यान रख लें। ये मैंने एक सिलाई लगा दी है, उसको फिर से वहीं के वहीं वापस घुमा के बिल्कुल अच्छे से इसे स्ट्रॉन्ग कर देना है। ये जो भी मैंने डबल किया था उसको चारों तरफ से पैक कर दिया है, मींस खुलने की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने इस पे लगा दी लगभग 6 सिलाई और ये हो गया है बिल्कुल पक्का। अब हम इसको डाल लेंगे अपनी पजामे में। ये हमारी लास्टिक है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन था हमारा, उसको हम ऐसे आइडिया से फोल्ड करके जितनी हमारी लास्टिक इसमें इजीली आ जाए ऐसे, और इसको अंदर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये ऐसे लास्टिक हमने रखी और उस पे हम इसको कर देंगे ऐसे फोल्ड, और ये इस तरह से हम लास्टिक डालते चले जाएंगे अपनी। ध्यान रखिए कि लास्टिक को सीधा करते रहे अंदर से, नहीं तो वो मुड़ जाएगी और फिर वो कमर पे जो है बहुत टाइट हो जाती है, मीन्स निशान पड़ जाते हैं, वो इरिटेट करती है। इस तरह से इसको सीधा करते जाइए और यहाँ से फोल्ड, बस एक सीधी सिलाई लगाते जाइए और हमारी लास्टिक इसमें डल जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारी डल गई। ये देखिए हमारी पजामी एकदम बन के रेडी है और बिल्कुल ये जो है बाजार जैसी लग रही है, कहीं से भी इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। लास्टिक भी देखिए उतनी ही डाली है हमने, ऊपर से ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया ताकि यहाँ पे बहुत सारी चुन्नट चुन्नट ना हो, मीन्स ये नीचे से पहनने वाली है तो चुन्नट हो जाएंगी तो पेट पे मोटा मोटा लगेगा। तो बिल्कुल वैसी ही सेम ये बन गई है, अब देखिए कोई इसमें कमी नहीं है, जैसे मार्केट वाली होती हैं वैसे ही ये बन गई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आगे भी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और काम की ट्रिक्स आपको बताती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।